चर्चा प्रारंभ होता है। सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण नाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काब ख, अब तुम सुनियो चीत दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती कहे ए मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्या मत, कायम करने क्या मत। लाल दरवाजे की हवेली में धामधनी अक्षरातीत इबितक का घटना क्रम वर्णन करवा रहे हैं। कल के वितक को जोड़ते हुए कल हमने हमारी निजानंद संप्रदाय पद्धति की अंतिम चौपाइयों को देखा, और उसके बाद जब हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में हम बादशाह के नज़दीकी व्यक्तियों को मिले और क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ वहाँ, एक कल के प्रसंग में हमने आसाजित वकील और शेख सलेमान के प्रसंग के माध्यम से सुना। उसमें आसाजित वकील हिंदू था, शेख सलेमान मुस्लिम था, और कल हमने आसाजित वकील हिंदू और पौराणिक जो भी हमारी परंपराएं चल रही है और ज्ञान के अभाव के कारण, कल उसने क्या बोला कि भाई ये तुम तो मोहम्मद साहेब की सिफत गा रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो हमारे हिंदू पक्ष की गरिमा ही क्या रही। और धामधनी ने वाणी में चौपाई बताई कि नबी और नारायण की कछु कहु पटंतर, रसूल कहे नूर जमाल की नहीं, नारायण गम अक्षर। नबी और नारायण की कछुक कहु पटंतर, धामधनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर नबी मोहम्मद साहेब और नारायण जो मोह सागर में अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप
जिस नारायण की उत्पत्ति हुई, तो नारायण को ये पता ही नहीं कि मैं किसके स्वप्न में बना हूँ। और एक दिन महाप्रलय में ये पूरा अष्टावरण युक्त 14 लोक जब लय को प्राप्त हो जाएगा तो नारायण का कहाँ अस्तित्व रहेगा। और आज हिंदू समाज इस नारायण के संकल्प से बने हुए इस जगत के त्रिदेव लहो या 33 करोड़ देवी देवता के नाम पर या पुराणों के कोई आडंबर या अंधविश्वास अंध परंपराओं को लेकर कैसे हिंदू समाज एक अंधेरी खाई की ओर, ऐसा ही एक आशा जीत वकील और नबी की पहुंच कहाँ तक है। रसूल मोहम्मद जब महाराज हुआ और चौथे आसमान अरसे अजीम लाहूत पहुँचे और वहाँ जाके जो परम धाम की शोभा के रूप में जो साक्षियाँ लिखी, चाहे भोज कोसर ताल हो पाल हो, पशु पक्षी जानवर जमुना जी जोई करके, बाग बगीचे चे बच्चे नदी ऐसे कई और वनों की कई शोभा का जो संकेतों के साक्षी के रूप में कुरान के अंदर ये वर्णन हुआ, या क्या बताया नबी और नारायण की कछुक कौ फटंद दोनों के बीच में क्या तफावत है। और आगे जाके बताया कि नहीं नारायण रसूल कहे नूर जमाल की, नहीं नारायण गम अक्षर वो तो नूर जमाल अक्षरातीत की, क्योंकि रूब रूब सामे बैठकर 90,000 हर्फ सुन के 30 शरीयत के जाहिर किए और 30 जो हर्फ मुक्ति आद के रूप में और जो तरीकत के थोड़े कुछ जाहिर किए और जो 30 ऐसे मार्फती वचन थे वो मोहम्मद की जुबा पे नहीं चढ़ी। हमने सब प्रसंग अगले घटनाक्रम में देख लिया है, हम आगे बढ़े सुंदर साहब जी। और शेख सलेमान के प्रसंग से हमने सुना कि शरीयत समाप्त हो जाए तो सत्य जाहिर नहीं करना है। और आखिर की चौपाई में हमने देखा कि जिसको हिंदू पक्ष में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कहा गया है, वही स्वरूप को कतिब परंपरा में आखरुल साहिबुज्जमा इमाम मेहंदी कहा गया है, तो वो जाहिर हो चुके हैं, क्यामत के सात निशान जाहिर हो चुके हैं। ये क्यामत संबंधी ये संदेश देने के लिए हमारे मोमिनों ने जो जागनी का झंडा हाथ में लिया है। और सुंदर साहब जी, हम जब तक उदयपुर नहीं पहुँचेंगे तब तक ये मोमिनों की क्या कुर्बानी है, मोमिन और कोई नहीं है। सुंदर साहब जी, जो अगले सुंदर सात आज से 400 वर्ष पूर्व चले, यही मोमिन के कदम पर महामती कहे मोमिनो देखो सात कदम, इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। राज जी ने अगले स्टार्ट प्रारंभिक प्रकरणों में बता दिया था कि महामती कहे मोमिनो देखो सात कदम, कि जो सुंदर साथ अगले पहले चले कैसे चले जागनी की राह पर। आज आप एक एक प्रसंग को देखेंगे उदयपुर तक और ये पूरा दिल्ली का प्रसंग, और उदयपुर के बाद भी हम जब अंतिम हमारा जागनी का झंडा जहाँ गाड़ा जाएगा पन्ना में, उससे पहले जो जो प्रसंग को देखेंगे तो मूल में बस जागनी, जागो और जगाओ। आगे मैंने केशवदासी के प्रसंग पर गोवर्धन भाई के प्रसंग को लेकर भी विस्तार से समझाया था कि सुंदर साथ जी, जो हमारे मोमिनों ने कैसे चल के दिखाया, कैसे ये आचरण रहनी दिखाई, तो ये देख के जगाओ अपनी आत्म। कैसे
आप भी उस निजानंद की सच्ची राह पर चलकर धनी की पहचान कर कर अपनी आत्म को जगाओ। जगाओ मतलब जब आत्मा जागृत होगी तभी तो जागने की राह पर चलेगी। तो एक एक प्रसंग के मूल में जागनी है। जागनी मतलब ऐसे तो देखो तो मूल मिलावे से, हम जब आपस में कॉल किया कि तू भूले तो मैं जगाऊंगी और मैं भूलूँ तो तू मुझे पल में दीजिए बताए, तो मूल से हमने जो बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कि नहीं हम धनी एक बार नहीं सो बेर देखो अजमाई के, ऐसी कबू हमसे न होई, हम मोमिन नहीं भूलेंगे। लेकिन यहाँ देखो यही हमारी साकुमार परमधाम की आत्मा आज उसके पीछे हमारे मोमिन क्या क्या कुर्बानी देंगे। तो तब ये तो 400 साल पहले पूर्व की घटना है, लेकिन आज वर्तमान में भी जो समय चल रहा है कि तभी ये परमधाम, ये राज्य की पहचान, ये जो सबको ये पहचान कराने के लिए मोमिन हमारे निकल पड़े हैं, उसका त्याग देखो, उसका तप देखो, उसकी कुर्बानी देखो, उसका बलिदान देखो। अब हम दो दिन तक लगातार ये देखेंगे, तभी भी एक सकुमार को जगाने के लिए ये तो प्रयास किया ही गया, लेकिन पूरे संसार को संदेश देने के लिए वाणी आई है। इस जो कर्तव्य है वाणी का, संदेश देने का, ये मैसेज देने का, ये सब हमारी ब्रह्मात्माओं का है, हम सब ब्रह्मात्माओं का है। तो तभी जब ये मोमिन निकले एक सकुमार को संदेश कैसे पहुँचे, क्योंकि सकुमार जो जग जाएगी तो पूरा मुस्लिम समाज के अंदर, और आज जो झगड़े हिंदू और मुस्लिम में जो चल रहे हैं सुंदर साजी, तभी भी राज्य का हुक्म आदेश या प्रेरणा कहो, ये दिल के विचार ये अलग रहोगे, क्योंकि तभी ब्रह्मात्मा अभी जगी नहीं थी। और ये भी नहीं कि खेल भी हमने पूर्ण रूप से नहीं देखा था, तभी भी जो सकुमार को जगा देते तो खेल भी तभी खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। तो ये मोमिनों की परीक्षा के आगे आएगा, परीक्षा तिन की होए किन की होए, जो जागने की राह पर चलेगा उसकी परीक्षा होगी। क्या परीक्षा होगी? हमारी ईमान की परीक्षा होगी, हमारे अंदर कितना प्रेम है इश्क की परीक्षा होगी। कि तभी जो सुंदर साथ ये संदेश देने के लिए गए, क्या क्या कष्ट उठाया है उसी समय के हिसाब के अनुसार, तभी इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कोई इसे संसाधन भी नहीं थे। आज तो सुंदर साथ जी जागने के लिए निकलना हो तो हमारे पास कितनी सुविधाएं के साधन है। आज आप यहाँ सुनने के लिए आए हो, चाहे कितनी भी दूरी से आए हो, क्या कोई 2 किलोमीटर भी चल के आए हैं? बाय स्कूटर, बाय कार, बस या किसी में बैठ के आए होगे ने? आज तो इतना, हाँ वो काम इतना कठिन है कि आज संसार अज्ञानता की नींद में जड़ पूजाओं में सोया हुआ है, उसको कैसे तारतम ज्ञान की वाणी से जगाया जाए। तो आज वही औरंगजेब बादशाह तभी एक था, आज हर संप्रदाय में, हर मत पंथों में जो विचारधारा चलाने वाले कोई भी महापुरुष हो, ये सब अपना शासन एक बादशाह की तरह चला रहे हैं कि हमारा पंथ बड़ा, हमारा मत बड़ा, हमारा स्थान बड़ा, हमारी गादी बड़ी। तो उसको जगाने में जो अभी सुंदरसा जी प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब अभी अपने अपने में पता ही नहीं कि सत्य क्या है। सबके मूल में जो एक परमात्मा है वो कौन है? ये जो परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ऐसे अनंत यूनिवर्सल ब्रह्मांड बनाए, ये परमात्मा कभी जड़ में नहीं रहते। मेरा कहने का भाव सुंदरसा जी यही है कि आज संसार में तभी एक औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए, और जो जो स्थान स्थान, ग्राम ग्राम, शहर शहर, जहाँ जहाँ जाएंगे, एक एक राजाओं को आगे
चाहे उदयपुर के हो, मंदसौर के हो, रामनगर के हो, एक एक राजा को संदेश देने में कितना प्रयास करेंगे। तो आज भी जागनी की वही स्थिति है कि आज हम भी कई और मतपंथों को समझाने के लिए निकले, लेकिन वो लोग भी अभी ये समय नहीं हुआ है कि ये सुगंधि उन दिलों में पहुँचे, पहचान करे। तो यहाँ ये बीतक घटनाक्रम पूरा नहीं हुआ है, ये बीतक चल रही है, तभी समय कुछ और था, आज समय कुछ और है, तभी की स्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है, लेकिन जगाने का प्रयास तो ढंग या तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी मतलब पूरा संसार ले लो, सुख शीतल करो संसार, ये वाणी में दावा लिया ने कि पूरे संसार को अखंड मुक्ति देने का ये ज्ञान जाहिर हो गया है। जो पहली कियामत है उस कियामत में ये अखंड मुक्ति देने का ज्ञान जाहिर हो चुका है, और दूसरे सुर जब फूके जाएंगे तब सबको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ सुंदर साथ जी, हमने जो दो प्रसंगों के माध्यम से जो सुना, और आगे हमारे मोमिन अभी प्रारंभिक ये जो घटनाक्रम में क्या बता रहे कि भाई इस बादशाह को हम कैसे मिले, उसको ये वास्तविकता की जानकारी कैसे करवाए कि ये ओ इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, ये क्यामत के साथ निशान जाहिर हो चुके हैं, तो उस मिलने का तरीका, उसमें आपस में बातचीत और विचार विमर्श हो रहे हैं। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, यहाँ लाल दरवाजे की हवेली में श्री राज कौन, श्री जी साहेब धाम के धनी प्राणनाथ किसको हुक्म करते हैं, तभी गोवर्धन भाई और लालदास जी को। यह प्रसंग जब तक पूर्ण न होने तब तक आप ध्यान से सुनना, ये प्रसंग हमारा ही है, हमने राज्य पर कितना ईमान लाया है, हम जागणी कार्य में कितने दृढ़ संकल्प के साथ लगे हैं, हमारा ईमान, हमारा विश्वास कितना है इस वाणी पर, इस राज्य पर। और हम भी किसी के सामने तो दिखावे वाली सेवा पूजा या वाणी पठन या ध्यान जो भी कुछ साधना ये कर तो लेते हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है तब हम कितने खरे उतरते हैं, कितने पास होते इस प्रसंग के द्वारा, और राज्य के साथ राज्य का जो बहुत बड़ा मिशन है, मैंने बताया ने कि मूल मिलावे से है, यहाँ से शुरू जामनगर से सिर्फ शुरू नहीं हुआ है, मूल मिलावे से हमने कॉल किया है कि मैं भूलूँ तो तू मुझे जगाओ, जे तू भूले तो इस प्रसंग जब तक पूरा न हो तब तक हर सुंदर साथ अपने पर घटित करे। यहाँ श्री जी अपने पर कितना पूर्ण विश्वास है राज्जी पर, और राज्जी अपनी खुद पहचान वो कैसे अपने मुख से दे। आज संसार में जो भी धर्म ग्रंथ उतरे उसके अंदर हमारी कितनी साक्षियाँ लिखी गई है, ये जब हम पढ़ेंगे, चाहे भागवत है, चाहे गीता है, चाहे मास्व तंत्र है, चाहे पुराण संहिता है, या चाहे अन्य और धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तभी तो पता चलता है। मान लो कि मास्व तंत्र पुराण संहिता जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शिव जी कितना ध्यान करते हैं, और ध्यान में भी केवल ब्रह्म तक पहुँचे हैं, और कैसे मूल मिलावे का इस क्रबद का उसने वर्णन लिखा है महेश्वर तंत्र पुराण संहिता के माध्यम से। तो ये पता कब चलेगा, तो शास्त्रों में तो साक्षियाँ लिखी है, और प्रत्यक्ष लीला भी श्री जी की वहाँ हो रही है दिल्ली में, और पन्ना तक ये लीला चलती रहेगी। तो श्री जी अपने स्वरूप की पहचान वो खुद कैसे दे, तो क्या किया उसने, एक लालदास जी और गोवर्धन भाई को
एक पास में मस्जिद में मुल्ला के पास भेजा और क्या कहा श्री जी ने कि जाओ लालदासी गोवर्धन भाई वहां मुल्ला को जाके पूछो कि उसकी कुरान हदीसों और जो भी कतेब के धर्म ग्रंथ है उसमें हमारी क्या साक्षियां है, उसमें क्या कहा गया है और किस तरह लिखा हुआ है। इतना नहीं, वो परब्रह्म एक खुदा ताला अल्लाह ताला किसको मानते हैं, किसको ठहराते हैं, जाओ जाके देखो। और मैंने एक दिन चौपाई बोली थी दो दिन पहले कि पढ़िया नहीं फारसी ना अरब सुने, नहीं फढ़िया नहीं फारसी ना अरब सुने कान, ना सुनिया कान कुरान को तो मायने खोलत सब। सुंदर साची श्री जी के अंदर महामती के धाम दिल में पांचों शक्तियां विराजमान है। सिराज जी को जोश आत्म दुल्हीन नूर हुकम बुद्ध मूल वतन, ये पांचों शक्तियां महामती के धाम दिल में विराजमान है। इसको क्या फिर मुल्ला काजी के माध्यम से कोई कतेब परंपरा के धर्म ग्रंथों के माध्यम से कोई साक्षी दिलाने की या उसमें अंदर जाओ जाके देखो ये लेने की क्या कोई जरूरत पड़ती। मैंने पहले बताया ने कि लालदासी और गोवर्धन भाई की पहचान परिपक्व कि भाई मैं ही वो स्वरूप हूँ, ये सब धर्म ग्रंथ लिखने वाला तो मैं हूँ, मेरे हुक्म से तो बताया ने कि ला हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। क्या बोला? हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, धनी के आदेश से हुक्म से तो ये धर्म ग्रंथों में जो जो साक्षियां लिखवाई क्या वो राज्य को ये जानने की थोड़ी जरूरत पड़ती कि जाओ कुरान और हदीसों में कतेब परंपरा में हमारी साक्षियां है कि नहीं, जाओ। लेकिन यहाँ हमारी मोमिनों का विश्वास और परिपक्व करवाने के लिए धाम धनी ने वहाँ भेजा। और कौन कौन गए? लालदासी और गोवर्धन भाई। पास में एक मस्जिद थी, वहाँ मस्जिद में रहने वाले मुल्ला के पास गए और मुल्ला को जाकर पूछा लालदासी ने कि इस कुरान या हदीसों जो भी धर्म ग्रंथ कतेब के है उसमें हमारी क्या साक्षियां है। तब मुल्ला ने बताया कि उसमें परमधाम की, अभी मैंने पूर्व चर्चा में आपको बता दिया कि कुरान में क्या क्या साक्षी है और आगे भी चर्चा में आएगा इन्ना इंजुला इन्ना आतेना जो सूरत है तीसवें पारे की, तो इसके अंदर हम सुंदर साथ जी आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ जब उसके अंदर साक्षी मिली कुरान के अंदर तो लालदासी इतने खुश हुए, इतने आनंदित हुए, इतने प्रभावित हुए कि अरे कुरान के अंदर तो हमारी साक्षियाँ लिखी हुई है, चलो मैं जाके श्री जी को बताऊँ। और गोवर्धन भाई के अंदर संशय बैठ गया। क्या संशय बैठा? कि अरे औरंगजेब बादशाह शरीयत का पक्का है, शासन भी मुगल का चल रहा है, और इतना नहीं आज औरंगजेब बादशाह के समय में कोई हिंदू उठकर कुरान को पढ़े या कोई कुरान की चर्चा करे ये औरंगजेब बादशाह को तो स्वीकार है ही नहीं, ये तो मौत को निमंत्रण देना है। तो उसके दिल में क्या भाव बदल गया? देखो दोनों गए, इसका एक का ईमान कितना दृढ़ है। हम चर्चा तो सब साथ में सुनते हैं, सब पर राज्य की एक ही समान मेहर बरस रही है, लेकिन किन ज्यादा किन कम लिए। यहां क्या बताया कि गोवर्धन भाई के अंदर संशय बैठ गया और लालदासी को पक्का ईमान आ गया। और जब डर बैठ गया दोनों जब निकले वहां से तो रास्ते में
थोड़ा झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, और झगड़ते झगड़ते रास्ते में आ रहे, क्योंकि लालदास जी को अंदर दृढ़ विश्वास आ गया, ईमान आ गया, और उसने संकल्प कर लिया कि बादशाह के साथ लड़ने के लिए अब कोई डर नहीं है, बस हम हमारा सर्वस्व कुर्बान कर देंगे, ये निजानंद की राह पर सर्वस्व हम त्याग कर देंगे, सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। इतना अंदर बल लेकर वो श्री जी के पास आ रहे, लेकिन इससे पहले गोवर्धन भाई पहुंच गए। सुंदर साहब, ये किसकी बात चल रही है? जब हमारे मन में भी ऐसा कोई पाप रहता ने, तब हम हमारी बात को छुपाने के लिए जहाँ निरूपण देना होता ने, जहाँ स्पष्टीकरण करना होता ने, वहाँ हम पहले पहुँच जाते। तो यहाँ रास्ते में झगड़ते झगड़ते जब आगे बढ़े, तो सबसे पहले श्री जी के पास कौन पहुँचे? गोवर्धन भाई। और गोवर्धन भाई पहुँच के प्रणाम किया और वो बात बताने लगे जो मुल्ला ने कही थी कि हाँ श्री जी, कुरान में हमारी साक्षियाँ है, मुल्ला ने ये बताया ये बताया। इतनी देर में कौन पहुँच गए वहाँ? लालदासी। कौन पहुँच गए? लालदासी। और लालदासी ने ये जब सुना कि अरे, जब वहाँ मैं सत्य को समर्थन दे रहा था, जब परमधाम की साक्षियाँ निकली, तो मैं इतना आनंदित होकर हमारी सत्य बात को जब समर्थन दे रहा था, तभी तो ये गोवर्धन भाई मेरे साथ झगड़ रहे थे, और आज श्री जी के पास फिर ये मुल्ला वाली बात बता रहे हैं। तो तब जाके लालदास जी ने बोला कि हे श्री जी, ये गोवर्धन भाई वहां तो उस दिल में डर बैठा हुआ था, और यहाँ आके आपके पास मुल्ला की कही हुई बात बता रहे हैं। और जब गोवर्धन भाई श्री जी के पास पहुँचे ने, उसी समय श्री जी का भोजन का समय था। क्या समय था? भोजन का, शाम के 5:15 थे। उसी समय वहाँ पहुँचते हैं दोनों, और एक अटारी में बैठे थे, वहाँ भोजन कर रहे थे, और दोनों की बात श्री जी ने सुनी। किसकी? लालदासी की और गोवर्धन भाई की। यहाँ लालदासी ने बोला, तब गोवर्धन भाई के अंदर क्रोध आ गया, वो उग्र आवाज में बोलने लगे कि अरे श्री जी, देखो ने, ये लालदासी कैसी बात कर रहे हैं। तब लालदासी ने बोला कि हे गोवर्धन भाई, क्या तुम मुल्ला के पास ये वचन नहीं बोल रहे थे और फिर यहाँ के बदल गए? फिर लालदासी ने क्या बोला कि श्री जी, जब तक हम इस चट्टाई पर जितनी देर बैठे रहते ना आपके सामने, तब तक हमारा ईमान पक्का रहता, हमारा विश्वास अडिग रहता, और जैसे ही हम इस चटाई से उधर की ओर गए, पंडाल से उधर की ओर गए, तो क्या होता? मन में और संशय पैदा हो जाते, और उसका कोई भरोसा ही नहीं किया जाता। ऐसा किसने बताया? लालदास जी ने। ये किसकी बात है सुंदर साहब जी? हमारी बात। कितने वाणी के कितने प्रमाण देकर, कितने विषयों की चर्चा को हमने सुना होगा, और कितने प्रमाणों के साथ सुना होगा, कितनी देर हमारा ईमान राज्य के प्रति, और हमने किस स्तर पर राज्य की पहचान की है, हम अपने अंदर जाके स्वयं को पूछ ले। यहाँ सुंदर साहब जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जब ये दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ, तो ये दोनों की विवाद भरी ये चर्चा जब श्री जी ने अपने नेत्रों से देखा और सुनी, तो श्री जी ने क्या बोला कि तुम्हारी दोनों की बुद्धि पर मैं क्या विश्वास करूं? चलो, अब कोई जागनी का आगे कार्य नहीं करना है, बस जागनी का कार्य यहां ही अभी रुका जाएगा।
और इस प्रसंग को लेकर मैं एक 5 मिनट थोड़ी बात रखना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, कि मैंने अभी जो बात आधी छोड़ी थी कि जागनी के मूल में मूल मिलावे से लेकर जब यहाँ गांगजी भाई के घर से जब जागनी अभियान शुरू हुआ और जागनी के झंडे के मूल में, मतलब झंडा कोई कपड़े वाला झंडा की बात नहीं कर रही हूँ, ये जागनी का जो उत्तरदायित्व जो हमारे सिर पर रखा है, ये जागनी का कार्य जब हम करने के लिए निकल पड़ेंगे ने, तब मूल में पहले तो हमारा त्याग, तप, हमारा समर्पण, त्याग तप समर्पण कुर्बानी हमारा बलिदान कि जो ईंटें लगाई जाएगी कहाँ, ये जागनी का जो अध्यात्म एक भवन तैयार हो रहा है। हमने चाकला मंदिर से देखा और वहाँ से यात्रा शुरू हुई और हमारी जागनी यात्रा दीव बंदस से शुरू हुई है। तो ये जो ईंटें लगाई जा रही है, ये ईंटें किसकी है? तप की, त्याग की, समर्पण की, कुर्बानी की, बलिदान की, हमारा सब कुछ न्योछावर करने में हमारे अंदर जो भी है, हमारा कहने के लिए कुछ भी ना बचे, हमारे मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाए, कोई तृष्णाएं कोई वासनाएं ना बचे, तब हम इस जागनी कार्य में निकल पाएंगे, तब इस राह पर हम चल पाएंगे। तो वो ईंटें लगाई जा रही है, वो ईंटें जब मजबूत होगी, ये नींव ये पाया जब मजबूत होगा, तभी तो ये इमारत खड़ी रह पाएगी, तभी तो ये बिल्डिंग आगे जाके बहुत जो आगे और बड़ा बनाना है तो ये कैसे एक खड़ा रह पाएगा, क्योंकि नींव ही उसका पाया ही मजबूत नहीं होगा। तो सुंदर साथ जी, इस नींव में आज श्री जी गोवर्धन भाई और लालदासी को 400 साल पहले इस प्रसंग के माध्यम से समझा रहे थे, आज हम सबको इस प्रसंग के माध्यम से प्रबोधित कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी, तुम भी इस जागनी कार्य में निकले हो तो राज्य पर तुम्हारा कैसा ईमान होना चाहिए और राज्य का कैसे बनकर किस धरातल पर की आपकी पहचान बननी चाहिए, और हम राज्य का बनकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब उसकी पहचान करके आगे नहीं बढ़ेंगे, और उसका दिखावा तो हमने किया कि हम राज्य का बनकर काम कर रहे हैं, हम राज्य की राह पर चल रहे हैं, निजानंद संप्रदाय की, दीन इस्लाम की, लेकिन हम विश्वासघात करेंगे, ठुकरा घात करेंगे। और दुख तो तब होता है जब कोई अपना बनकर इस जागनी की राह में विश्वासघात करे, इस जागनी की राह में जब ये ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है तब व्यधान डाले, और दिखावा तो बड़ा बड़ा किया कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतनी वाणी पढ़ रहे हैं, हम इतना ध्यान कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, अब वर्तमान में भी यही चल रहा है। तभी गोवर्धन भाई लालदास जी का प्रसंग कि यहाँ गोवर्धन भाई के दिल में डर बैठ गया कि देखो शरीयत का शासन है, कदाचित ये मौत को निमंत्रण भी देना पड़े तो चलो सच्ची बात नहीं रखनी है। तो यहाँ राज्य ने इस प्रसंग के माध्यम से हमको ये समझाया और आगे इस प्रसंग को हम बढ़ाए। तो क्या प्रसंग में राज्य बता रहे कि तुम दोनों के इस विचार पर मैं क्या कहूँ, तुम्हारी दोनों की बुद्धि पर मैं कितना विश्वास करूँ। जब इतना ही श्री जी बोले ने सुंदर साथ जी, तब अंदर से एक आह कहो, एक टीस कहो,
एक पुकार निकली अंदर से, और पुकार में क्या बोला कि सुंदर साची अभी जागने का तो और कार्य और आगे बढ़ाना है, अभी तुम तो मूल में अभी तो जगाने के लिए निकले हो, और बस आपके अंदर इतना ही बल है, इतना ही विश्वास है। और इतना बोला ने तब श्री जी के आसपास जो मामती के धाम दिल में पांच शक्तियां विराजमान थी, लीला कर रही थी, वो सीधी बिजली की रूप में ऐसे चमकने लगी। क्या क्या? श्यामा जी की आत्मा, राज्य का आदेश हुक्म, और अश्रापिल की बुद्धि जोश, अक्षर की आत्म, ये पांचों शक्तियाँ मुखारविंद के आसपास झलकने लगी। इतना नहीं, अश्राफिल जबराइल का भी जोश ऐसे प्रचंड आवेग में झलकने लगा, और अंदर से और आवाज क्या निकली, क्या पुकार निकली कि हे लालदासी, सुंदरसा जी ये दर्द भरे वचन है, ये पीड़ा के वचन है, मैं कैसे मजाक में कहूँ, अंदर भी पीड़ा हो रही है लेकिन तो भी चर्चा के रूप में कहना पड़ रहा है, क्या करे, राज्य की प्रेरणा है, आदेश है। क्या बोले श्री जी पुकार भरे स्वरों में, पुकार भरे वचनों में कि हे लालदासी, ये जो धर्म ग्रंथों का सारा जो साहित्य है मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसकी व्यवस्था संभालो। और भीम भाई को बोला कि तुम जागनी कार्य के लिए उदयपुर चले जाओ, और गोवर्धन भाई को बोला कि तुम सूरत चले जाओ, वहाँ जागनी का कार्य करो और ये संदेश को फैलाओ, जाओ मेरा आदेश है। क्या बताया कि अभी कोई काम नहीं करना है बस, और आगे लालदास जी को ये धर्म ग्रंथ का ज्ञान खोलने की शक्ति दी, और शेख बदल को भी हुक्म की शक्ति दी, भीम भाई को भी जागृत बुद्धि दी। वैसे तो सब शक्तियाँ सबके अंदर शोभा मिली है, यहाँ बताया। और भीम भाई और मुकुंददास जी को बोला कि जाओ तुम उदयपुर की ओर चले जाओ, अभी कोई काम करने की मेरी आशा ही नहीं रही, सब आशाएं टूट गई, सब इच्छाएं बस पूरी हो गई, तुम जाओ। राज्य ने आदेश कर दिया, क्योंकि अभी तो ये जागनी का सकुमार को जगाने का अभी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। तभी मूल में ही जब ऐसा ही वातावरण देखा और ईमान डगमगा हुआ देखा, तो राज्य ने आदेश कर दिया। और श्री जी ने क्या बोला कि अब जो जागने की उलझन, क्या उलझन थी कि सकुमार को जगाने के लिए जो एक बहुत बड़ी बात थी, उलझन थी कि भाई सकुमार की आत्मा कैसे वास्तविकता की, ये सत्य यथार्था की पहचान करे, तो यहाँ बताया कि उलझन ही समाप्त हो गई। और बोले कि मैं चलो मैं अनूप शेर की ओर जा रहा हूँ, और श्री जी अनूप शेर की ओर चल दी है। सुंदरसा जी ये प्रसंग कहते कहते, बस इस प्रसंग पर आप चिंतन करिए बैठे बैठे, उस पर आप स्वाध्याय करिए, अंदर मनन चिंतन करिए, क्या करें कि श्री जी ने क्या क्या कष्ट उठाए हैं। देखो कई बार एक नदी की बनकर सुंदर साथ कष्ट दे रहे गोवर्धन भाई कितने नजदीक है श्री जी के। और ये प्रकरण की चर्चा में पन्ना में जब पहुँचेंगे तब मैं आगे विस्तार से बताऊंगी कि जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, ऐसे कई मोमिन नदी की बनकर भी रहे तो भी पूर्ण पहचान न होने के कारण श्री जी को क्या क्या कष्ट उठाना पड़ा है, इस प्रसंग के माध्यम से हम आगे सुनते जाएंगे। तो यहाँ श्री जी अनुशेर की ओर चल पड़े,
एक पोठी ऊंट पर बैठकर जब रास्ते में जा रहे, तब क्या हुआ, अतिसार मतलब पेट का पाचन तंत्र खराब हुआ, श्री जी की तबीयत, श्री जी मतलब अक्षरातीत की तबीयत नहीं, मेहराज जिस तन में श्री जी की आवेश शक्ति लीला कर रही है उस तन की तबीयत वहाँ बिगड़ गई। और तब माणिक भाई उसको औषधि देते हैं। देखो ना, छोटी छोटी बात को भी इस प्रसंग के माध्यम से धामधनी ने वर्णन करवाया है। माणिक भाई औषधि देते हैं और वहाँ लालबाई भी थी, वो श्री जी को देख से रोने लगी। क्या हुआ, श्री जी को देख के रोने लगी। उसने पूछा कि श्री जी ये क्या हो गया आपको, इतना स्वास्थ्य खराब। तब श्री जी ने बताया कि सांत्वना दी श्री जी ने कि लालबाई रड़ो नहीं, लालबाई रड़ो नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, बस ठीक हो जाएगा और अभी मेरी परम धाम जाने की अभी जाने का समय भी नहीं आया है और कदाचित जाने का जो समय आएगा तो मैं आपको पहले से सूचित कर दूंगा, पहले से मैं आपको बता दूंगा, आप रड़ो नहीं। श्री जी ने सबको बल दिया और अंदर आवेश इतना प्रचंड होने लगा, इतना बढ़ने लगा कि सनंद की वाणी उतरने लगी, बोलो श्री प्राणनाथ। ये सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ, ये संसार में सत्य की गूंज करेगी। हिंदू और मुस्लिम, वेद और कतेब दोनों को एक झंडे के नीचे लाकर जो कछु कहिया वेद ने सोई कहिया कतेब, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त ना बिना पाए भेद। जो वेद में कहा गया है वही तो कतेब में कहा गया है। तो यहां हिंदू और मुस्लिम को दोनों का एकीकरण करके एक सत्य की गूंज करने वाली सनंद की वाणी उतरी। जो सनंद की वाणी में 42 प्रकरण, उसमें 30 जो प्रकरण है वो 30 सिपारा पहले मोहम्मद साहब के समय में कुरान के अंदर जो उतरा जबराइल के जोश के माध्यम से, ये 30 सिपारा था, ये तो शरीयत और तरीकत का ज्ञान था, लेकिन जो उसका गुह्य जो बातूनी ज्ञान मार्फत का जो उतरने वाला था कते परंपरा का, ये 30 सिपारे के रूप में सनंद की वाणी के माध्यम से ये 30 सिपारा, ये 30 ये सनंद का प्रकरण हुआ। और 12 वेद पक्ष के कि सुहागनियों के लक्षण, अवतारों के प्रकरण और बंध पैड़ा की खेचा खेच, वीरह के प्रकरण, ऐसे 12 प्रकरण मिलाकर 30 प्लस 12 ऐसे 42 प्रकरण में ये सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। और यहाँ सनंद ग्रंथ का जैसे ही अवतरण हो गया तो जब सुंदर साजी सुंदर साथ ये ग्रंथ को पढ़ने लगे तो क्या श्री जी ने विचार किया कि इस ग्रंथ को, किस ग्रंथ को, सनंद ग्रंथ को कोई पढ़ लेंगे तो उसके अंदर कोई संशय नहीं रहेगा, पूरे खुले होकर इस संसार में ये खुदा ताला अल्लाह ताला जिसको कहा गया है वही तो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है, जिसको नूर जमाल कहा गया है वही तो अक्षरातीत है, जिसको नूर जलाल कहा गया है वही तो अक्षर ब्रह्म है। तो ये पूरे खुले हम संदेश दे पाएंगे। तो यहाँ बताया कि कोई भी सनंद ग्रंथ को पढ़ लेंगे उसके अंदर का संशय समाप्त हो जाएगा। इतना नहीं, इस वाणी उतरने के बाद ऐसी स्थिति बन गई, कैसी, कि औरंगजेब बादशाह को संदेश देने में अब हमारे अंदर प्रमाण मिल जाएंगे। क्या क्या प्रमाण, सनंद के अंदर सनंद दोजक की, सनंद इमाम के प्रताप की, सनंद
मुस्लिमों के रहने की सनंद, एक बिना एक मोहम्मद की, ऐसे कई सनंद उतरी 30 प्रकरणों के माध्यम से। तो औरंगजेब बादशाह को जगा, सनंद एक दोजक की, तो ऐसे कई सनंदों के माध्यम से बादशाह तक संदेश पहुंचाने में अब कठिनाइयां नहीं आएगी। तो यहाँ आगे सुंदर शाह जी बताया कि जब ये सब काम पूर्ण हुआ, उसी के बाद एक वहाँ का कोई पाठक था, उसके दिल में एक संशय पैदा हुआ और श्री जी को वो अपने घर ले गया। और श्री जी ने जागनी के संबंध में जब बात रखी तो पाठक के संशय भी दूर हुए और श्री जी ने फिर आपस में सुंदर साथ के बीच में बैठकर विचार विमर्श किया। क्या विचार विमर्श? अभी जो जागनी का कार्य ठंडा और जब बंद था, तो बोला, विचार किया कि चलो ये संदेश तो पहुंचा के ही रहना है। तो सुंदर सात को श्री जी ने आके क्या बोला, वहाँ से जब पाठक के घर से आए और आके बोला कि सुंदर सात जी, अक्षरातीत का खुदा ताला का आदेश हुआ है। क्या आदेश? प्रेरणा हुई है कि चलो इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं, क्यामत के सात निशान प्रकट हो चुके हैं, तो अब जगाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तुम तैयार हो जाओ इस संदेश देने के लिए। उसके बाद जो सनंद ग्रंथ उतराने, वो शेख बदल भाई को दिया। किसने? श्री जी ने आदेश कर दिया कि शेख बदल भाई, ये सनंद लेकर तुम कहाँ जाओ? मस्जिद में, जामा मस्जिद में जाओ और ये सनंद की वाणी सुनाओ। तो शेख बदल भाई को जैसे ही आदेश हुआ, शेख बदल भाई अपने शीर पर ये सनंद ग्रंथ लेकर गए और मस्जिद में जाके सनंद की आयते, सनंद की वाणी गाने लगे। क्या गाने लगे ये हम आगे सुने। इससे पहले एक आगे और प्रसंग को सुन ले कि जब वहाँ मस्जिद में पहुँचे तो वही भाव से निकले थे कि आज तो बादशाह को संदेश पहुँचा के ही रहना है। जब ईदगाह में पहुँचे, मस्जिद में पहुँचे, तब शुक्रवार का दिन था, जुम्मे का दिन था और तब रमजान के महीने भी चल रहे थे और जो रोज़ा होता है वो 15 पूरा भी हो गया था। और पहले कुरान और हदीसों के माध्यम से जो साक्षियाँ लिखवाई थी कि कुरान का 15 रोज़ा जब पूरा होगा और उसी के बाद पहले पखाड़े में सूर्य ग्रहण पड़ेगा और दूसरे पखवाड़े में चंद्र ग्रहण पड़ेगा, उसी के अनुसार इसी समय ही शेख बदल मस्जिद में पहुंचते हैं। तो वो साक्षियाँ भी पुरवार होती है जो पहले नहीं हुई थी जब इमाम मेहंदी इस संसार में नहीं आए थे और बाद में भी ये साक्षियाँ कभी भी मिलेगी नहीं। उसी समय जब शेख बदल मस्जिद में गए तभी ये साक्षियाँ भी पुरवार होती है और वहाँ जाके वो सनंद गाने लगता है। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब जहान, कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब जहान, मायने गुजया जाहिर किन लिया नहीं फुरमान, मायने गुजया जाहिर किन लिया नहीं फुरमान, फुरमान लिया जो रसूल वास्ते मोमीन, फुरमान लिया जो रसूल वास्ते मोमीन,
जिन खातर ले आया, जिन खातिर ले आया, ओ सुन सी मोमीन, कहती हूँ उम्मत को, सुन सी सब जहान, कहती हूँ उम्मत को, सुन सी सब जहान। सुंदर साथ जी वहाँ सनंद गाने लगा, कौन? शेख बदल भाई। और वहाँ इतने भीड़ थी, वो सबने ये सुना, संसार के और जीवों ने जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे, और वहाँ सुना और शेख बदल ने देखा, वहाँ किसी का चित स्थिर नहीं था, कोई शांत नहीं थे, वहाँ इतना शरीयत कर्मकांड का इतना दबदबा था, ये सब शेख बदल भाई ने वहाँ देखा। और जो कोई कोई संसार के और जीवों ने वहाँ सुना, सुना तो सही, लेकिन उसने क्या बोला कि ये जो शेख बदल भाई ये सनंद गा रहे है तो सच्ची, लेकिन ये हिंदी में है तो अब हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती, ये बात तो सही है सच्ची है, लेकिन हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती, क्योंकि शासन शरीयत का चल रहा है। और आगे कई ऐसे लोग भी थे कि सुनना भी नहीं चाहते थे, किसी के दिल में जो पाप था, और किसी ने बोला कि भाई ये बात तो सही है, हिंदी में लिखी है, जो फारसी में होती तो ये औरंगजेब बादशाह स्वीकार करता, तो ऐसे इधर उधर की बात करने लगे। और शेख बदल भाई वहाँ से फिर चल के अपने निवास स्थान पर वापस आ गए, और दूसरे दिन फिर वो गनी बेग की हवेली में गए। सुंदर साथ जी कितना प्रयास कर रहे हैं हमारे मोमिन सुंदर साथ, और वहाँ जाके बिना एक मोहम्मद की सनंद गाने लगे। क्या सनंद गाए? के कई पंथ पैड़े कई दिन मजहब, कर कर गए रबद, हुआ नहीं कोई काम का बिना एक मोहम्मद। क्या बोला? कई पंथ पैड़े दिन मजहब, कर कर गए रबद, लेकिन हुआ नहीं कोई काम का, कोई पंथ मत ने ये खुदा ताला अरसे अजीम तक की बात ही नहीं बताई, हुआ नहीं कोई काम का बिना एक मोहम्मद। एक मोहम्मद साहेब अरसे अजीम की बात लेकर आए, और कई लाले लाल कहावते हो गए सब जरद, और कोई लाल ना हुआ बिना एक मोहम्मद। सब ने दावा तो लिया, लेकिन 120,000 पैगंबर आगे जब ये बिना एक मोहम्मद सनंद जब गाने लगे, कौन? शेख बदल भाई। तो वहाँ एक सैयद था मस्जिद में, उसने शेख बदल भाई के साथ झगड़ा कर दिया। क्या झगड़ा किया? अरे तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारे मुस्लिम में तो 120,000 पैगंबर हो गए, उसमें से तो तुम सिर्फ एक मोहम्मद साहिब की सिफत गा रहे हो और दूसरे का तो नाम ही नहीं ले रहे हो। तब वहाँ सुंदर सच जब शेख बदल के साथ झगड़ा हो गया, तब शेख बदल भाई वहाँ से फिर वापस वहाँ लौट आए, और श्री जी ने थोड़े दिन के बाद फिर शेख बदल भाई को भी बुलाया, और वो हकीकत पूछी कि कैसा रहा शेख बदल। तक शेख बदल भाई ने बताया कि श्री जी हमने सब प्रयास कर लिए,
मैंने मस्जिद की सीढ़िया पर सनंदे गाई, वहाँ जाके पुकार की कि हे अंधे मुस्लिम, कान के बहरे दिल के अंधे, कान में और दिल में इबलीस बैठा हुआ है और आँखों में कौन, दिल में इबलीस, आँखों में इबलीस और दिल में अजाजिल, ये लोगों ने ये बात सुनी ही नहीं। और आगे जाके श्री जी ने क्या विचार किया ये धामधनी, आगे हमको बताएंगे कि सनंदवाणी का पढ़ने के तो विश्वास तो आ जाएगा, लेकिन ये शरीयत में बंधे मुसलमान हमारी बात को अब सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे क्या करना। तो फिर श्री जी ने विचार किया, उसके नज़दीक की कोई एक व्यक्ति हो तो चलो हम उसको मिले। तब श्री जी गोवर्धन भाई और लालदास जी को भेजते कि जाओ उसकी नज़दीकी की व्यक्ति से मिलो, क्योंकि कोई भी हालत में ये संदेश तो पहुंचाना है ही। तब वो फिर शेख सलेमान को मिलते हैं और शेख सलेमान के पास कई दिन तक सुंदर साथ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं आज मिलाऊँ कल मिलाऊँ, आज मिलाऊँ कल मिलाऊँ, ऐसे बाना करते रहे। सुंदर साथ बहुत दिन तक वहाँ जाते रहे, लेकिन शेख सलेमान ने फिर बाना करते करते क्या बोला कि तुम इस हिंदू भेष में आए हो, तुम इस हिंदू भेष में आए हो, तुम ऐसा करो मुस्लिम वेशभूषा धारण कर लो तो हमारा बादशाह मिलेंगे। सुंदर साह जी इस प्रसंग को सुनते सुनते आप चिंतन करिए, उस प्रसंग ही वैसा है कि मोमिन कैसे जागनी कार्य में निकल पड़े, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है और श्री जी के आदेश पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ प्रसंग तो गोवर्धन भाई लालदास जी का है, लेकिन अभी वर्तमान में हम हमारे सिर पर ले कि हम भी अभी मान लो कि कहीं मूल केंद्रीकरण से हमारे पर आदेश हो जागनी का कार्य का, कि हमारे पर कोई प्रेरणा राज्य की मिले हमारे अंदर, तो हम भी कैसे निकले ये विचार करने की बात है। तब हम कितने बहाने ढूंढते, कितने बहाना बनाते, हम यहाँ तक आए तो है लेकिन यहाँ से फिर ये भी तक में आएगा। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई चार दिन रुक के चला गया, कोई पाँच दिन रुक के चला गया और कोई थोड़े दिन रुकेंगे, कोई अंतिम समय तक यहाँ पे ही खड़े रहे, तो ये किसकी भी तक है, हमारी भी तक है, ये कोई दूसरे की भी तक नहीं है। तो यहाँ शेख सलेमान बाना करते रहे और वेशभूषा का बोला तो यहाँ सुंदर साथ ने निश्चित कर लिया कि ये उसकी नियत में खोट है, वो नहीं मिलाएंगे, चलो हम आगे और विचार विमर्श करके जागनी संबंधी संदेश देने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुंदर साथ रोहिले खान के मोहल्ले में बैठकर विचार विमर्श किया कि ये बादशाह को सत्य हकीकत वास्तविकता की कैसे पहचान हो। फिर वहाँ भी ये काम जब नहीं हुआ तो वहाँ से दुली चंद की हवेली में गए और दुली चंद की हवेली में बैठकर विचार विमर्श करने लगे, तो वहाँ भी विरोधी लोग खड़े हो गए। जो कल मैंने बात रखी थी ना सुंदर साथ जी, क्या रखी थी कि वाणी का प्रचार प्रसार को रोकना, टीका के पढ़ने को रोकना, ये क्या प्रसंग चल रहा है। देखो मुस्लिम के इलाके में जाएंगे वहाँ ये लोग विरोध करेंगे, फिर हिंदू में जाएंगे फिर वहाँ वो लोग विरोध करेंगे, श्री जी सुंदर साथ कैसे बेचारे वहाँ इधर उधर घूमते फिरते हैं और एक बस वहाँ से कॉल करके आए हैं कि नहीं धनी हम जब जग जाएंगे ने तो हम सबको ये संदेश देंगे, तो इस राह पर निकल पड़े हमारे मोमिन। और यहाँ आगे हम बढ़े तो दुली चंद की हवेली में भी
सुंदर साहब जी विवाद खड़ा कर दिया, तो फिर विचार करते हैं कि चलो ये 22 जो प्रश्न, ये 22 प्रश्न पहले हिंदी भाषा में थे, अब उसको फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया जाए तो शायद ये औरंगजेब बादशाह स्वीकार कर लेगा। और ये इमाम मेहंदी और क़यामत संबंधी जो हमारे संदेश है उसको स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ कायम मुल्ला दयाराम जी को बुलाते, और दयाराम जी कायम मुल्ला नाम का एक लड़के को बुलाते हैं, और वो ये वास्तविकता की संबंधी क्या, क़यामत संबंधी, सात निशान संबंधी जो 22 प्रश्न है उसको एक प्रसंग के रूप में, घटनाक्रम के रूप में तैयार करते हैं शेख जी मीर जी के बयान के रूप में। यहाँ शेख जी कौन है, श्री प्राणनाथ जी, और मीरा जी कौन है, श्री लालदास जी। श्री लालदास जी प्रश्न करेंगे और शेख जी प्रश्न के जवाब देंगे, प्राणनाथ जी जवाब देंगे। तो क्या क्या है उसमें सुंदर साहब जी, जो घटनाक्रम इस शेख जी मिर्जी के बयान के माध्यम से क्या क्या घटनाक्रम, तो क़यामत संबंधी और इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, ये संबंधी वास्तविकता तो लिखी गई, लेकिन मूल मिलावे से लेकर व्रजराज से लेकर सात में दिन में हम कैसे अखंड बिस्त में हमारा जीव जगेगा और हमारी आत्मा परात्म में फिर वापस लौटेगी, तब तक की सब हकीकत उसमें लिखी गई और समान के रूप में सब रुक के तैयार किए गए। और उसी के बाद जब ये रुक का तैयार हो गया तो श्री जी के चरणों में रख दिया और आदेश दिया कि श्री जी आप जैसे आदेश करेंगे वैसे हम नदी के व्यक्तियों को पहुंचाएंगे। और उसी के बाद जो शेख निजाम था वहाँ भी मिलते हैं, एक और भी उसके नज़दीक का व्यक्ति था उसके पास भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं बना। तो एक चांदनी चौक में कोई एक सौदागर, एक व्यापारी रहता था, उसने क्या बोला श्री जी को कि श्री जी चांदनी चौक में एक व्यापारी सौदागर रहता था, उसने हाँ लालदास जी को बोला कि मेरे पास दज्जाल नामा है, चलो मैं दज्जाल नामा आपको दिखाऊं। तब लालदास जी ने बोला कि हाँ हमको दज्जाल नामा दीजिए, उसमें भी शायद हमारी कोई साक्षिया होगी तो हम उसी के आधार पर भी आगे बढ़ेंगे। तो वो भी रोज़ बोले कि मैं कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, वैसे वो बहाना करते रहे। उसने भी दज्जाल नामा नहीं दिया क्योंकि उसकी नियत में विखोट थी, उसके विचार भी बदल गए। फिर बाद में अंतिम उसने क्या बोला कि चलो मेरे पास कोई दज्जाल नामा नहीं, मेरे पास कोई तफसीर हुसैनी है, चलो मैं तफसीर हुसैनी देता हूँ। तो फिर लालदास जी को श्री जी ने भेजा कि लालदास जी ऐसा करो ये तफसीर हुसैनी लेके आओ, चलो उसको पूछो कि तफसीर हुसैनी में क्या साक्षिया लिखी है, क्या संकेत हमारे लिखे है। तब लालदास जी ने जाके पूछा कि तफसीर हुसैनी में क्या है, तब उसने बोला कि कुरान का अर्थ लिखा हुआ है, फारसी भाषा में कुरान का अर्थ लिखा हुआ है। तब श्री जी ने बोला कि हाँ उसको बोलो कि ये तफसीर हुसैनी हमको दे, लेकिन उसने अंतिम जाके तफसीर हुसैनी भी नहीं दी। देखो सुंदर साथ जी, हमारे श्री जी और सुंदर साथ कृष्णा कितना प्रयास करते हैं, उसी समय का जो कठिन पहरा चल रहा था, समय चल रहा था, क्योंकि वो लोग सरयती थे, कर्मकांडी थे, अपना कुरान हदीस या जो भी कते परंपरा के धर्म ग्रंथ थे वो क्या मानते थे कि भाई हिंदुओं को देना नहीं चाहिए क्योंकि वो छू लेंगे, वो तो काफिर लोग हैं, हम तो
पाक पवित्र और मोमिन है, तो ऐसे छूत अछूत का जो समय था तो वो सीधे नहीं देते थे। तो यहाँ हमने प्रयास किया, लेकिन अंतिम जाके वो व्यापारी भी बदल गया। और वहाँ सामने दयाराम भाई बैठे थे। कौन बैठे थे? दयाराम भाई। तो श्री जी को देखते हुए दयाराम भाई ने क्या बोला कि हे श्री जी, मैं ऐसा करूँ, मैं ये तफसीर हुसैनी लेके आऊँ? तो श्री जी ने बोला हाँ तुम लेके आइए। तो बोले कि मेरा कोई व्यापारी मित्र है, मेरा कोई व्यापारी मित्र है, मैं उसको बोलूँगा कि मेरा एक दूसरा व्यापारी मित्र कोई अलग शहर में रहते हैं, उसने बहुत प्रार्थना करके अर्जी करके मंगवाई है, तो तुम मेरे को जल्दी से तफसीर हुसैनी पहुँचाइए। तो यहाँ दयाराम भाई को काम सौंपा और दयाराम भाई जल्द शीघ्रति शीघ्र वहाँ से गए, अपने व्यापारी मित्रों को मिले। और व्यापारी मित्रों को क्या कहा कि मेरे को तफसीर हुसैनी चाहिए। और तफसीर हुसैनी के लिए उसने बोला कि मेरे दूसरा मित्र है मुस्लिम, उसने मंगवाई है। तो उसने तत्काल जल्दी से हाजिर की और दयाराम भाई को दिया। और तफसीर हुसैनी की कीमत 40 रुपया थी, तब उसी टाइम कितनी थी? 40 रुपया। और उस लोगों ने तफसीर हुसैनी दी, दयाराम भाई ने 40 रुपया दिया, लेकिन उसने दो वापस कर दिए, 38 रुपये में तफसीर हुसैनी दी। सुंदर सा जी, कीमत तो 38 है, लेकिन उसके अंदर क्या सुख भरा हुआ है, क्या निशानी, क्या साक्षी है। तो ये देख के दयाराम भाई इतना प्रभावित हुए, इतने आनंदित हुए, इतने खुश हुए कि वो तफसीर हुसैनी लेकर शीघ्र श्री जी के चरणों में हाजिर हुए और आके श्री जी के चरणों में रखकर प्रणाम किया। और श्री जी ने बोला कि तुम ऐसा करो, कोई मुल्ला को बुलाओ कि तफसीरी का हिंदी में अनुवाद करके चर्चा करके मेरे को सुनाए। तब जाके एक मुल्ला को बुलाया और हिंदी में अनुवाद करके श्री जी को सबसे पहले, अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा हम वर्णन करेंगे कि सबसे पहले क्या वर्णन करके सुनाया। जो तफसीर हुसैनी में कुरान का जो अनुवाद किया गया है उसमें 30वां सिपारा, आम सिपारा, उसमें इन्ना इंजुला जो सूरत है उसमें क्या हमारी साक्षियां लिखी है, लैल तुल और कद्र, व्रज रास और जागणी। पहले हम व्रज में थे, उसके बाद हम रास में आए, रास के बाद हमारा मनोरथ ना पूर्ण हुए तो तीसरे हम जागणी ब्रह्मांड में आए। जब ये बात श्री जी ने सुनी, जब ये बात श्री जी ने सुनी तो अंदर से इतना जोश भर गया, आवेश भी इतना प्रचंड हो गया कि अरे इसमें तो हमारी साक्षियां लिखी हुई है। और उसके बाद जब मुल्ला ने इन्ना आते ना सूरत जब सुनाई तो उसमें ओज को सत्ताल का एक हीरे की पाल है, एक हीरे की पाल है, तीन में है कई मोलात, एक हीरे की पाल है, एक सफेद रंग के हीरे की जो पाल है और ताल अंदर जो जल भरा हुआ है ओज कोसर के अंदर, बीच में जो टापू माहौल है, और कैसे वहां लीला करते थे, खूबी होज कहू क्यों कर, इस ओज कोसर की खूबी, उस मोहलातों की शोभा, उस ओज कोसर की जो रचना बनी हुई है
उसी के बारे में इंद्रावती कहती है कि मैं क्या कहूँ। ये जब इन आते ना सूरत में ये जब प्रसंग श्री जी ने सुना तो और खुशहाल हुए और आनंदित हुए कि अरे कुरान के अंदर तो हमारी सब परमधाम की साक्षियां लिखी हुई है। फिर श्री जी ने जब ये सुना तब तो अंदर से खुशी से नहीं समा रही है, बस संसार की ओर देखने की कोई इच्छा ही नहीं रही, बस सब आशाएं वहाँ से पूर्ण हो गई। इतना नहीं, श्री जी इतने डूब गए उसी के अंदर जब चर्चा हो रही है इन्ना आतेना और इन्ना हिंजुला सूरत की, तो तीन दिन और तीन रात तक श्री जी वहाँ से उठे ही नहीं। तीन दिन और तीन रात तक उठे ही नहीं। जब सब साक्षियाँ देखी तो क्या विचार किया कि अब औरंगजेब बादशाह को ये संदेश भेजने में कितनी कितनी साक्षियाँ मिल रही है, और आगे सब सुंदर साथ को बोला कि हे सुंदर साथ जी, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें हमारी सब साक्षियाँ मिली है। आप ऐसा करो, सब सुंदर साथ को ये साक्षियाँ लिख के भेजो। कहाँ कहाँ? यहाँ जो सुंदर साथ को पहले भेज दिया था ना, गोवर्धन भाई तुम सूरत चले जाओ, मुकुंदासी भीम भाई तुम उदयपुर चले जाओ, तो यहाँ बताया कि सब जगह तुम साक्षियाँ लिखो। और उसको क्या लिखो कि कुरान में हमारी सब साक्षियाँ मिली है, अब कोई जीव सृष्टि के जीव से इन मुसलमानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सुंदर साथ ने जाके सब जगह पत्र लिखा और आगे सुंदर साथ जी प्रसंग बदलता है। क्या प्रसंग आता है कि एक बीच में किस्सा याद आया। क्या किस्सा आया श्री जी को याद? तो जो नौतनपुरी से प्रेम जी, नाग जी और संग जी, ये बीच में किस्सा याद आया। तो यहाँ लालदासी के धाम दिल से आसबाई को प्रेरणा हुई कि तुम एक किस्सा भी लिख लीजियो। तब उसी समय दिल्ली में नौतनपुरी से प्रेम जी भाई आते हैं और इसके साथ संग जी और नाग जी भी आते हैं। ये तीनों आए और उसका उद्देश्य क्या था, उसका भाव क्या था दिल में कि चाकला मंदिर की जो गादी है उस गादी पर ईमान दिलाने का, और ईमान सिर्फ नहीं उस गादी की छत्रसाए में लाने का, उसी के अंदर ये भाव और उद्देश्य लेकर ये आए थे। और आके ही क्या सराय रोहिल खान की हवेली में जब श्री जी बैठे थे तो वहाँ आके हम देवचंद्र जी के इतने निकट है, मतलब नज़ीक के है, यही दावा लेकर वो बड़ी बड़ी बात करने लगे। और जैसे कैसे बात करने लगे तो हम यहाँ एक प्रमाण दिया है कि यहूदी लोग उसी समय मोहम्मद साहिब को नहीं मानते थे, वैसे ही ये जो तीनों आए ने प्रेम जी, नाग जी और संग जी, वो भी उसका ईमान कहाँ पर है तो बिहारी जी महाराज की गादी, नाम और स्थान पर, ये भी श्री जी के प्रति विरोध रखते थे। सुंदर साथ जी ये गादी का कहाँ तक चलता रहेगा, राज्य दिल्ली तक ही अंतिम राज्य, देखो इस प्रसंग के माध्यम से भी यही बता रहे, क्या करूँ ये गादी का प्रसंग आ ही रहा है तो बताना ही पड़ता है। तो जब श्री जी के पास ये तीनों पहुँचे तो उसका ईमान तो मैंने बताया कि गादी, स्थान और नाम पर था, और मोहम्मद साहेब मतलब कुरान में भी हमारी साक्षियाँ है, खुदा एक बरहक, खुदा एक सत्य है, और रसूल तो मोहम्मद साहेब तो रसूल बनकर एक संदेश लेकर आए हैं, लेकिन वो लोगों ने कुरान पर चर्चा सुनी ही नहीं थी कभी भी, तो वो कैसे अपने कान के अंदर ये सामर्थ्य रख पाते कि नहीं ये खुदा एक बरहक मतलब सत्य है और रसूल एक संदेशवाहक के रूप में आए। लेकिन यहाँ जब पहुँचे ने तभी चर्चा किस विषय पर चल रही थी, कुरान पर
एक मोहम्मद साहेब पर कुरान पर चर्चा चल रही थी कते परंपरा पर, तो ये तीनों आके सुनने लगे। और श्री जी वहाँ क्या चर्चा कर रहे थे? तारतम कलमा और कलमा और तारतम, तारतम और कलमा, देवचंद्र जी और मोहम्मद साहिब की, कि जो मोहम्मद साहिब ने कहा था वही तो देवचंद्र जी ने बताया है। यही बात जब रखी तो दोनों तीनों आश्चर्यचकित हो गए, मतलब अंदर से विचार करने लगे कि अरे जो मोहम्मद साहिब ने कहा था वो तो देवचंद्र जी ने कहा है, ये तो दोनों की एक ही तो बात है, कोई अलग बात ही नहीं है। तो यहाँ ये सुन रहे हैं, अभी तो सुन रहे हैं, किस्सा तो बहुत लंबा है लेकिन मैं ज़्यादा उसमें विस्तार नहीं करूँगी। और आप आगे बढ़े कि सबको जब वहाँ चर्चा जब सुन रहे थे ना श्री जी के मुखारविंद से, तो श्री जी के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी दिखाई दिए। किसको? प्रेम जी, नाग जी और संग जी को। जैसे ही दिखाई दिया ने तो उसने तीनों ने विचार कर लिए। क्या विचार कर लिए? कि अरे सतगुरु धनी देवचंद्र जी कोई गादी पर नहीं बैठे, ये तो महाराज के अंदर महामती के धाम दिल में बैठे है। तभी तो संशय दूर हो गए, जो द्वेष भाव लेकर आए थे वो समाप्त हो गए। लेकिन अभी जैसे ही दूर जाएंगे ने, बताए ना कि यहाँ बैठे तब तक तो, यहाँ बैठे तब तक तो ईमान पक्का रहता है राज्य के चरणों में। जैसे ही आसन से हटकर बाहर जाएंगे ने, फिर ईमान डगमगा जाएगा। यहाँ भी यही तो प्रसंग बता रहे धामधनी, तो बताया कि चलो हम अलग अलग सुंदर साथ को अलग अलग स्थान पर पत्र लिख के बताए कि सतगुरु धनी देवचंद्र जी कोई गादी पर नहीं बैठे सिर्फ बिहारी जी महाराज की, ये तो यहाँ मिहराज के महामती के धाम दिल में बैठे। उसने सब जगह ऐसे पत्र लिख दिए, पत्र तो लिख दिया। फिर तीनों थोड़े दिन सुन रहे और वहाँ का अहंकार अहम भाव लेके आए थे, तो जैसे ही श्री जी चर्चा करके उठे तो उसके सामने ऐसे अहम में बात भी करने लगे, क्योंकि वहाँ का हम, क्योंकि सद्गुरु महाराज की गादी से हम आए, वो हम लेकर आए हैं ने। तो फिर श्री जी की जब ये चर्चा सुनी ने तो फिर उसका द्वेष भाव समाप्त हो गया और पत्र भी लिख दिए। और उसके बाद एक दिन प्रेम जी भाई के अंदर ईमान पक्का हो गया, तो प्रेम जी भाई ने नाग जी और संग जी के अंदर, सुंदर सा जी किसकी कथा चल रही है मैं चर्चा नहीं बोलूँगी, इसलिए कथा बोली कि बात ही कोई एक घटनाक्रम, ये कोई जो प्रसंग चल रहा है ये दूसरे का नहीं है, मतलब कोई ये कथा नहीं है, ये चर्चा ही हमारी है। तभी उसी टाइम जो घटित हुआ ने यही तो अभी घटित हो रहा है। तो ये प्रेम जी भाई के अंदर ईमान पक्का हो गया, तो उसने जब नाग जी भाई और संग जी के अंदर जब बनावटी प्रेम देखा ने तो उसको बताया कि भाई तुम जब श्री जी चर्चा करते हैं उसके सामने बैठते हो तब तो आपके अंदर ईमान पक्का रहता है, बाहर जाके आपका मन क्यों बदल जाता है, आपके अंदर फिर क्यों संशय पैदा हो जाता है। तो फिर वो दोनों 22 दिन तीनों रुके, लेकिन वो दोनों वहाँ 22 दिन के बाद चले गए वापस नौतनपुरी। कौन? संग जी और नाग जी और प्रेम जी वहाँ रुक गए। और जैसे ही वो यहाँ से निकले, रास्ते में पहले तो पत्र लिखे थे, क्या लिखा था? महामती के धाम दिल में सदगुरु बैठे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ सुंदर साथ के घर पे रुके वहाँ दुदली बात करने लगे, दो तरफ की क्या क्या, कि नहीं देवचंद्र जी तो गादी पर बैठे हैं, वहाँ क्या बोल रहे थे कि महामती के धाम दिल में। तो सुंदर साथ बोले कि पहले तो आपने पत्र से ऐसा बताया था, फिर आज ये दुदली बात कर रहे हो। फिर ऐसे करते जब बिहारी जी महाराज अपने मित्र के पास पहुँचे और वहाँ जाके अपनी दिल की सत्यता जब बता दी, तब तो बिहारी जी महाराज का तो स्वभाव आप
जानते हो। उसने बोला कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो, क्या देवचंद्र जी सद्गुरु महाराज क्या महामती के धाम दिल में बैठे है? तो तुरंत ही वहाँ से निकल गए और शहर से बाहर जाकर एक एकांत स्थान में चले गए। पीछे संग जी, नाग जी और सुंदर साथ समझाते कि अरे हे बिहारी जी महाराज, हे गादीपति, हे धाम के धनी, आप रुक जाइए। नहीं, सतगुरु महाराज तो यहाँ गादी पर है, कोई महामती के धाम दिल में नहीं है, आप वापस आइए। वापस आइए वहाँ दो तीन दिन तक रुके, समझाते रहे, मनाते रहे, फिर समझा बुझाकर वो फिर छाकले पर लाए, गादी पर लाए। और फिर क्या बोला है उसके सामने कि अरे बिहारी जी महाराज, हमसे गलती हो गई, महामती के धाम दिल में सतगुरु की बैठक नहीं है, ये देवचंद्र जी तो सतगुरु धनी देवचंद्र जी तो यहाँ गादी पर भी विराजमान है, प्राणनाथ श्री जी पर कोई विश्वास ना लाए, चलो हम ऐसे पत्र लिख दे। ऐसा कहकर समझा बुझाकर बिहारी जी महाराज को समझाया। तो यहाँ धाम धनी ने बताया कि ये प्रसंग मेरे को बीच में याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। और अंतिम महामती कहे सुनो साथ जी, तुम में ये बीतक लिखी लोमो फूज में, ये तुम्हारे ताले हक। यहाँ महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये पहले से लोमो फूज मतलब लोहे की पट्टी पर अटल सत्य, लोहे की पट्टी मतलब अटल सत्य, ये पहले से मूल मिलावे से राज्य के दिल में सब ये घटनाक्रम लिखा गया था, तो भविष्य में घटने ही वाला था, तो ये घटित हुआ, ये तुम्हारी और अपनी, मेरी और तुम्हारी बीतक है। तो सुंदर साहब जी आगे क्या घटना कम घटित होगे, ये नलुओं की बीतक से हम सुने कि रोहिल खान की सराय में बैठ किया विचार, हमको अब क्या करना हुकम पर्वत दिगार। रोहिल खान की सराय में, सराय रोहिल खान की हवेली में बैठकर फिर सुंदर साथ आपस में विचार विमर्श करते हैं कि श्री जी का क्या आदेश है, चलो ये जागनी संबंधी, ये संदेश पहुँचाने संबंधी विचार विमर्श करने लगे। और आगे जो रजवी खान थे वहाँ भी जाते हैं और दिन 10 दिन वहाँ भी मिलते रहते हैं, वो भी एक माया के संसारी जीव थे, वो ईमान नहीं लाया। बताया कि उम्मीद है जगदीश, जगदीश मतलब विष्णु को कहते हैं, हाँ एक जगह वाणी में भी जगदीश शब्द अक्षरातीत के लिए भी प्रयोग किया है कि वेदों कहिया आउसी बुद्ध ईश्वर का ईस मेट कलजुग असुराय मुक्ति देसी जगदीश। तो ये जगदीश मतलब विष्णु के जो जीव कर्मकांडी थे वो अपनी राह को छोड़ने वाले नहीं थे, यहाँ उसके घर 8-10 दिन गए लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। उसी के बाद शेख निजाम जो उसके गुरु थे वहाँ भी गए सुंदर साथ, और वहाँ 1 मास तक गए वो भी ये बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। उसी के बाद एक शेख वाजिद फकीर थे, वो खुदा ताला की बंदगी में मस्त रहते थे, वहाँ भी मिलते हैं लेकिन वहाँ भी कोई क़यामत प्रकट संबंध में कोई सुगंधि नहीं मिलती है। उसके बाद सागरमल के वहाँ, सागरमल की सोबत से बख्तावर के वहाँ भी सुंदर साथ कोई दिन जाते हैं, क़यामत संबंधी बस मोमिनों की सुंदर साथ की एक ही बस इच्छा है कि बस क्या कि ये संदेश औरंगजेब बादशाह तक कोई भी स्थिति में पहुँचे। लेकिन सबके घर घर हमारे मोमिन घूमते फिरे, भटकते रहे लेकिन सब अपनी माया में मस्त थे, किसी को खुदा ताला की ओर, अल्लाह ताला की ओर किसी को पीड़ा नहीं थी, दर्द नहीं थी, सब अपनी माया में डूबे हुए थे। तो आगे जाके श्री जी ने विचार किया कि नहीं, हमारे सिर पर क्या विचार किया मोमिनों ने और श्री जी ने मिलकर आपस में विचार किया कि हमारे सिर पर जो ये क़यामत संबंधी 7 निशान इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, ये
जो जाहिर करने का उत्तरदायित्व है, ये तो हम पहुंचा के ही रहेंगे संदेश को, कोई भी स्थिति में बस ये संदेश पहुंचाना है। तो इसलिए औरंगजेब बादशाह तक ये क़यामत का संबंध कैसे पहुंचाए उस बाबत में विचार विमर्श करने लगे। यहाँ सराय रोहिल खान की हवेली में विचार करते करते 4 महीने व्यतीत हो गए। उसके बाद दुलीचंद की हवेली में गए, वहाँ भी विरोध खड़ा हो गया। और उसी के बाद श्री जी सब सुंदर साथ के साथ एक एकांत में कोई एकांत स्थान चयन करके चुन के वहाँ विचार विमर्श किया। और क्या किया कि चलो 5 नलुए 5 पत्र तैयार किया जाए कि उसके जो 5 नदी के अधिकारी है कौन कौन, शेख इस्लाम काजी, शेख निजाम उसके उस्ताद गुरु, और आकिल खान जो कुरान को पढ़ाने वाले, और चौथा सिद्दी पोलाद जो कोटवाल, और 5वां रजवी खान वहाँ का दीवान। तो ये 5ों को ये 5 पत्र पहुँचाया जाए। यहाँ एकांत में विचार विमर्श करके ये 5ों पत्र तैयार किए, और जो फारसी भाषा में, और 5ों पत्र के 5 नलुए तैयार किए गए, और ये 5ों नलुओं श्री जी के चरणों में रख दिए। तो क़यामत संबंधी 7 निशान लिखे हो, क्या क्या 7 निशान है। पहला निशान है हकीकत क़यामत की और पहचान इमाम, हजरत ईसा आइया हकीकत दिन इस्लाम। आखरुल क़यामत के इन पत्रों में क्या क्या साक्षी है, तो बताया कि क़यामत के 7 निशान क़यामत संबंधी जो लिखे गए उसके अंदर इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा प्रकट हो चुके हैं। और ये भी लिखा गया है कि हजरत ईसा रूहल्ला भी आ गए हैं, और निजानंद की सच्ची राह पर वो चल रहे हैं। और दूसरा कि असराफिल जबराइल जो सत स्वरूप से दोनों फरिश्ते, वो भी जागृत बुद्धि और जोश के स्वरूप भी आ गए हैं, ये भी पत्रों में लिखा गया। इतना नहीं, ये आए और ईसा रूहल्ला मोमिनों और श्री जी के साथ दज्जाल कहाँ तक लड़ता रहेगा, 120 साल तक लड़ते रहेंगे, ये सब उस रुके के अंदर लिखा गया है। और तीसरा निशान आगे और बताते जाएंगे कि आजुज माजुज जाहिर उगा सुर मगरब दाभा हुई जाहिर, ये सब लिखे सबब। आजुज माजुज भी जाहिर हो चुके हैं, दाभातुल अर्ज नाम के जानवर भी प्रकट हो चुके हैं, और आगे पश्चिम में मगरब में सूर्य और दज्जाल, ये सब निशानियाँ इस नलुओं के माध्यम से लिखी गई, पत्र के माध्यम से लिखी गई। और ये बादशाह के निकट के 5 अधिकारियों को पहुंचाएंगे सुंदरसाथ जी हम। उसमें 5 क्यों, 5 शक्ति भी 5 है हमारी, जो हम बातूनी रूप में देखें तो हमारी 5 शक्ति और 5 फरिश्ते भी 5 बताए हैं, और 5 लो तो 5 बार ये स्वरूप पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, तो हमारे लिए भी श्री जी इस मोह सागर में कितनी बार आए, 5 बार आए ने, और 5 बार यहाँ भी नलुआ भी 5, और अधिकारी भी 5 के हम 5ों को पहुँचाएंगे। तो यहाँ पहले आजुज माजुज का पहले हम वर्णन करेंगे। तो आजुज माजुज कुरान के 16वें नंबर के पारे में यह प्रसंग वर्णित किया गया है। आजुज माजुज नूह नबी के पोते और याफिस के संतान है, कोई उसको पूर्व और मध्य एशिया के असभ्य जाति के भी मानते हैं। और क्यों आजुज माजुज को प्रसंग वर्णित किया गया कि भाई और दूसरे देशों में
वो आक्रमण करते थे तो उसकी सुरक्षा के लिए ये दीवार बनाई गई थी और ये आजूज माजूज पूरा दिन उस दीवार को चाटते थे। दीवार दिन को चाटते चाटते ये कागज जैसी पतली हो जाती थी, फिर रात होती थी, फिर सुबह होती थी, तो रात को दीवार जो पहले अगले दिन थी वैसी वो बन जाती थी। तो यहाँ आजूज माजूज की कोम कितनी बताई है, यहाँ 400,000 उसकी फौज बताई है और उसके सेनानायक 3 बताए, तूल, ताब और सब। तो ये क्या क्या है, और आजूज कितने गज का है और माजूज कितने गज का है। तो आजूज मतलब दिन को कहा गया और माजूज रात को कहा गया। 400,000 फौज क्या कहा गई, क्या कही गई, 400,000 फौज, 400,000 में भागेंगे हम 360 को तो 1100 साल आएंगे। 1100 साल मतलब जो मोहम्मद साहिब ने बोला था कि मेरे अंतर्ध्यान लीला के बाद फरदा रोज मैं कल के दिन आऊँगा, कल के दिन को क्या कहा गया, फरदा रोज क्यामत। तो कल का दिन खुदा के दिन एक यहाँ के 1000 साल, खुदा की एक रात्रि यहाँ की खुद यहाँ के 100 वर्ष, तो 1000 प्लस 100 तो 1100 साल के बाद मोहम्मद साहब ने बोला था कि मैं वापस इस हजरत रूहल्ला के साथ, इन इमाम मेहंदी के साथ मैं आऊँगा। तो यही आ गए, तो उसमें 360 जब भागेंगे तो 1100 साल निकल आएंगे। और माजूज 100 गज का और आजूज 100 गज का और माजूज 1 गज का कहा गया। तो हमारी मन की वृत्तियाँ दिन को 100 तरह भागती रहती है और रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारी मन की वृत्ति एक ही जगह एकाग्र रहती है। तो यहाँ आजूज माजूज का वर्णन किया गया और आजूज माजूज जब ये जाहिर हो जाएंगे, क़यामत का ये समय आ गया आप मान लेना। और उसके बाद दाभातुल अर्ज, दाभातुल अर्ज जानवर की बात कही गई है इस प्रसंग के माध्यम से कि दाभातुल अर्ज की विशेषताएं क्या है, उसकी शेर जैसी छाती, गिद्ध की पीठ, सुअर की दृष्टि, मुर्गे की गर्दन, हाथी के कान, ये सब हो गए लेकिन आकृति मनुष्य की होगी, आदमी का मुख होगा। ये सब रुतियाँ, ये सब लक्षण, ये सब जानवर जैसे होंगे, तो ऐसा कोई जानवर इस संसार में नहीं आने वाले थे। सुंदरसा जी ये कोई जानवर नहीं, क्यामत का जब समय आएगा तब पहले निशान बताया शेर जैसी छाती, जैसे शेर दूसरे प्राणी पर प्रहार जब करते, दूसरे प्राणी को मार देते, उसका दिल कितना कठोर होता, उसके अंदर कोई दया नाम की चीज नहीं होती, वैसे ही जब क़यामत का समय आएगा उसी समय मनुष्य भी दूसरे पर नहीं दया खाएगा, नहीं तरस आएगी, उसकी छाती भी शेर जैसी होगी, दूसरे को मारने में उसको जरा भी झिझक और अंदर से संकोच भी नहीं होगा। और आगे गिद्ध की पीठ, गिद्ध की पीठ इतनी पतली होती है कि वो थोड़ा जोर से कोई मारे तो सहन भी नहीं कर पाते। तो क़यामत का जब समय आएगा तो क्या होगा, मनुष्य धार्मिक कार्य में सेवा के लिए पैसे नहीं देंगे लेकिन लौकिक कार्य में शादी विवाह या अन्य कार्यों में इतने पैसे बगाड़ेगी क्योंकि वहाँ अपना स्वार्थ है, लेकिन धार्मिक अच्छे जागनी के कोई कार्य में वो पैसे नहीं देंगे। और मुर्गे की गर्दन, मुर्गा कैसा होता है, कोई बार जब स्वार्थवश
दाना चुगना होता तभी अपनी पीठ को गर्दन को झुकाता, बाकी वो नहीं झुकाते। वैसे जब क्यामत का समय आएगा तब मनुष्य इतना अहंकारी बन जाएगा कि कोई बड़े व्यक्ति या कोई महापुरुष या सुंदर साथ को प्रणाम करने में झिझक करेगा कि भाई हम कैसे उसके अंदर उसको चरणों में प्रणाम करें, अभिमान रखेंगे। और हाथी जैसे कान, हाथी अपनी सिफत अपनी प्रशंसा तो सुन लेंगे, लेकिन किसी ने जो कोई कटु वचन कह दिए वो अपने अंदर रखते हैं और अपने अंदर जलता रहता है घृणा की अग्नि से। तो वैसे ही कलयुग के अंदर ये क्यामत के समय में भी मनुष्य दूसरे की चुगली की बातों करने में इधर उधर की फालतू बेकार की बात करेंगे, लेकिन सत्य ज्ञान की बात वो कम याद रखेंगे। और अंतिम सुअर की दृष्टि, उसकी चित्तवृत्ति इतनी खराब बन जाएगी इस संस्कारों से कि उसकी दृष्टि इतनी गंदी बन जाएगी सुअर की तरह। जैसे सुअर को जितनी भी मिठाई वानगी अच्छे अच्छे पदार्थ डालो वो नहीं खाएगा, वो गंदगी की ओर ही जाएगा सुअर, वैसी वाली दृष्टि क्यामत के समय मनुष्य की हो जाएगी। तो यहाँ दाभातुल अर्ज, आजुज माजू और पश्चिम में सूरज उगने की बात कही। तो पश्चिम में सूरज कोई प्रकृति के विरुद्ध ऐसा कोई घटना नहीं घटेगी। पश्चिम में सूरज मतलब ये ज्ञान रूपी सूरज उगने की बात है और बिना रोशनी वाला। तो ये ज्ञान जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू तन में इमाम मेहंदी के तन के अंदर मतलब महामती के धाम दिल में उतरने वाला था और ये हिंदुस्तान के अंदर इमाम मेहंदी के अंदर ये ज्ञान आ गया, तो जो अरब की धरती थी वो वहाँ अज्ञानता छा गई, वहाँ जो शफकत बरकत और ज्ञान का जो नूरी झंडा था वो वहाँ से उठ गया। तो बिना रोशनी वाला ज्ञान कहा गया। और पहले अरब की धरती पर परमधाम का ज्ञान का सूर्य उगा था तो वो पहले अरब की धरती पूर्व की दिशा कही गई, फिर ये ज्ञान हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी के महामती के धाम दिल में ये ज्ञान का प्रकटन हुआ तो फिर ये हिंदुस्तान की धरती पूर्व कही गई और जो ये अरब की धरती वो पश्चिम दिशा कही गई। और ये वहाँ जैसे ही ज्ञान वहाँ से सबकत बरकत कुरान नूरी झंडा सब उठकर हिंदुस्तान में आ गया तो वहाँ पूरी अज्ञानता छा गई, इसलिए बिना रोशनी का सूरज कहा गया। लेकिन जाहिरी मुसलमान तो अभी भी मगरब में सूर्य उगेगे यही राह दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मगरब में सूर्य उगने वाला नहीं है। तो जाहिरी मुसलमान ये बातुनी भाव को नहीं समझ पाए। और हजरत ईसा आने वाले थे, वो हजरत ईसा भी आ गए। और आगे सुंदर साहब जी बताया कि राह सरातल मुस्तकिम रसूल करी सरत, और रसूल साहिब बताया था कि फरदा रोज क्यामत मेरे जाने के बाद 1100 साल के बाद ये इमाम मेहंदी प्रकट हो गए। तो उसी के समय ये इमाम मेहंदी प्रकट हुए। अंतिम ये मोहम्मद साहिब की बात सुंदर साहब जी हम यहाँ पूर्ण करें, क्योंकि मोहम्मद साहिब ने ये सात निशान की जो बात क्यामत संबंधी बात ये जाहिर हो चुकी और नलुए के माध्यम से पत्र के माध्यम से कल हम उसके नज़दीक के जो पांच व्यक्ति है उसको पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे। और उसी के बाद वो पांचों इस नलुए पर ईमान नहीं लाएंगे और वो भी बहानाबाजी बनाते रहेंगे, बादशाह तक ये संदेश नहीं पहुंचाएंगे। ये प्रसंग को हम कल सुनेंगे और ये चौपाई हम यहाँ दोहराए। इन बात की हकीकत
ए होई एक दिना इस्लाम इन सेती काफर फिरे रखे रब्बानी कलाम रखे रब्बानी कलाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्रणाम।